नमस्कार, शिवन्या रसोई में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपके साथ फिश करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैं ली हूँ लहसुन, 3 प्याज, 2 टमाटर, 5 फोरन, 3 लाल सूखी मिर्च है, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर है। इससे ग्रेवी का कलर अच्छा होता है। आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं या नहीं भी। हल्दी, जीरा, गोल मिर्च और ये सरसों का तेल है। अब मैं मछली को पहले से धोकर रख दी थी। अब मैं इस धुले हुए मछली में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दूंगी, 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अब मैं इसे दोनों तरफ अच्छे से मिला दूंगी। अब मैं 1 सूखी मिर्च और 5 फोरन को छोड़कर बाकी मसालों का एक पेस्ट तैयार कर लूंगी। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल देती हूँ। तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें मछली को तलूंगी। मैं इसे थाली से ढक देती हूँ क्योंकि मछली को भूनते समय तेल का बहुत छींटा उड़ता है। अब मैं इसे उलट दूंगी दूसरी तरफ फ्राई होने के लिए। इस तरीके से मैं सभी मछलियों को फ्राई कर लूंगी। और ये हमारी मछलियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं उसी में थोड़ी सी और सरसों की तेल डाल दूंगी। अब तेल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें सूखे मिर्च और 5 फोरन डाल दी हूँ। अब मैं इसमें मसालों को डाल दूंगी। अब मुझे मसालों को अच्छे से पकाना है क्योंकि मछली का टेस्ट मसालों के भुनने पर ही निर्भर करता है। अब मैं इसे ढक दूंगी और 10 मिनट तक पकाऊंगी। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ तेल आना शुरू हो चुका है। मैं इसे ढक कर और 5 मिनट तक पका लूंगी। मेरा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसके चारों तरफ तेल आ चुका है। अब मैं इसमें 1 ग्लास पानी डाल दूंगी। अब मैं इसे ढक दूंगी 1 उबाल आने के लिए। अब मेरा 1 उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें सभी मछलियों को डालकर 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लूंगी। ये हमारा गर्मा गर्म मछली तैयार है। मैं इसे चावल के साथ सर्व की हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।